क्लोज योर आईज, इंक्रीजिंग एंजाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्ट्रॉन्गर. जस्ट लुक एट मी, लुक एट मी. क्या हो रहा है? जैसे जैसे वो हो रहा था. नहीं, वो नहीं हो रहा. जैसे वो नहीं हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है, ये खेल है. अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा से उसी के साथ है जो बिलीव करते हैं उसमें, या उनके एक्सटेंड के अलावा नहीं है? मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की. मेरे प्रियो, आपके बीच में एक जबरदस्त वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप जरूर पास्टर की तारीफ करेंगे. मेरे प्रियो, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें आपको बताया था कि न्यूज नेशन वालों ने एक एपिसोड रखा, जिसमें न्यूज रूम के अंदर कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि जो आज पास्टर्स सेवा कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, और आज जो चमत्कार हो रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, उन वीडियोस को दिखा दिखा कर न्यूज नेशन वालों ने ये कहा कि जो पास्टर आज चमत्कार कर रहे हैं वे सब ट्रिक लगा कर कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैजिशियन है, वो जादू है, ऐसा न्यूज नेशन वालों ने कहा. लेकिन उसी दौरान जो आप पास्टर देख रहे हैं बीच में, इस पास्टर ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया. लेकिन जो एक साइड और दूसरे साइड में जो पास्टर्स बैठे हैं, उन्होंने मसीह कम्युनिटी को साथ ही नहीं दिया, बल्कि इन्होंने मजाक बनाने में उनका और मदद किया. लेकिन इस पास्टर ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, जो तीन ऐसे मैजिशियन लोग थे जो कि पास्टर्स जो सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के अंदर से जो दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, उन वीडियोस को देखकर मसीही लोगों का मजाक बना रहे थे. मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं. लॉजिक समझ नहीं आ रही है. यू आर जस्टिफाइंग. आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो कह रहा हूं गलत. आप गलत को गलत बोलिए. कि फर्जी बड़ा मैं कह रहा हूं फादर. फादर मैं कह रहा हूं ऑन स्टेज, मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा. फिर आप उसको पोजीशन कहेंगे, वो कहेंगे डेविएशन, वो भूत आ गया, या फिर ये क्या है, या फिर उसको भी आप चमत्कार बोलिए, और आप बोलिए कि फिर ये भी सही है. फायर 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 फायर. मैं जिसके कंधे पे हाथ रख रहा हूँ सिर्फ उसके लिए ये है. व्हाट्स योर नेम? मैं रविंदर. एक सेकंड. माइक. ईशा. यस. ईशा, जब मैं वो वर्ड यूज कर रहा था फायर, तो मैंने आपको सोब करते हुए देखा. yes. क्या हो रहा था सर? हार्ट बीट थोड़ा. लुक एट मी, लुक एट मी. इधर देखिए, ऐसे घूम जाइए. क्लोज योर आईज. And जो कुछ भी है, जैसे ही मैं तुम्हें टच करूंगा, ये और तेजी से. जस्ट क्लोज योर आईज. इंक्रीजिंग एंजाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्ट्रॉन्गर. जस्ट लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी. क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हार्ट बीट तेज है. कितने तेज है? जो डर लग रहा है. एंड यू आर हील्ड, यू आर हील्ड विद अ वंडरफुल स्माइल ऑन योर फेस. यू कैन फील दिस, राइट? यस. आर यू ओके? यस. फादर, ये क्या हो रहा था? ये खेल हो रहा था. क्या हो रहा है? हाँ, जैसे सब जैसे वो हो रहा था. नहीं, वो नहीं हो रहा. जैसे वो नहीं हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है, ये खेल है. अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा से उसी के साथ है जो बिलीव करते हैं उसमें, या उनके एक्सटेंड के अलावा नहीं है? वो वीडियो में क्या हो रहा था? वो बोल रहे हैं सरेआम, बोल रहे बच्ची है, वो सरेआम बोलते हैं. वो छोटी बच्ची का वीडियो पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया गया. रविंदर, वो छोटी बच्ची का वीडियो सिर्फ पॉपुलैरिटी एंड फेम के लिए यूज किया गया. दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं आप. गुमराह कर रहे हैं. वर्ड बैक. आप गुमराह कर रहे हैं. आपको फेम नहीं मिल रहा है. उस बच्ची को बुला करके उसको दिखा रहे हैं. उसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा. डॉक्टर कपिल, वो लड़की कह रही है कुछ नहीं हो रहा. आपने रविंदर की स्टेटमेंट नहीं सुनी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो बच्ची कह रही है कुछ नहीं हो रहा. जो लोग वहां उसके कान में कह रहे हैं बोल बोल, ऑलरेडी स्टोरीज, इमेजिनेशन, सब कुछ उनके फीडेड स्टेप है. यहाँ पे खेल हो रहा है, सबने देखा है बेटा, देखा वो भी उसको जिसको फर्स्ट टाइम. मेरे प्रियो, आप जो शख्स देख रहे हैं और जो लड़की के ऊपर जो कर रहे हैं, इसको हिप्नोटाइज बोलते हैं. कहने का मतलब है किसी को अपने वश में करना, उसका माइंड डाइवर्ट करना और एकत्रित करके उसको वश में कर लेना. और मेरे प्रियो, जो शख्स कर रहा है ये कह रहा है कि जो आज चर्च में हो रहा है, इसी तरह जादू किया जाता है, मैजिक और ट्रिक दिखाया जाता है चर्च में. जो हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, वे सब कुछ पाखंड है. इनका कहने का मतलब यह है.
लेकिन उसी दौरान जो आप पास्टर को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है यहाँ पर ये खेल हो रहा है। लेकिन चर्च के अंदर कोई ड्रामा नहीं होता, कोई खेल नहीं होता, वहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। मेरे प्रियो, वहाँ पर जो बैठे हैं दो पास्टर्स, उन्होंने इस पास्टर का साथ नहीं दिया। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि हमारे चर्चों में ऐसा चमत्कार नहीं होता है या हमारे चर्चों में ऐसी दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती है। तो उसी दौरान न्यूज़ नेशन वालों को बात पकड़ में आ जाती है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जो आप पास्टर देख रहे हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि चर्च के अंदर कोई ड्रामा नहीं होता है और ना ही खेल होता है, वहां पर पवित्र आत्मा का काम होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हिप्नोटाइज कर रहा है वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर के पास इतना टाइम नहीं कि वो हिप्नोटाइज करे, किसी को अपने वश में करे। लेकिन जब चर्च के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है तो प्रभु यीशु के नाम से वो फड़फड़ाएगी और वो निकल जाएगी। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के वचनों में और पढ़ा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के गांव में जाते हैं और वहां पर दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे क्यों सताने आ गया, कहने का मतलब मुझे क्यों निकालने आ गया। और उसके अंदर इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थी कि वो कब्रों में भी ले जाता और बार बार आग में भी झोंक देता था, सांकड़ों को तोड़ देता था। इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसी घड़ी निकल गई। और आज जो चर्च के अंदर हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो बाइबल के आधारित पर है। और जो आज हो रहे हैं वो चमत्कार प्रभु यीशु के नाम से हो रहे हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर कभी भी गौर नहीं किया है, उनको यही लगता है कि ये ट्रिक है, लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, लोगों को अपने वश में कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि चर्च के अंदर पास्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को वो हिप्नोटाइज करे, किसी को अपने वश में करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उस चर्च के अंदर काम होता है और लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उनको यीशु के नाम से चंगाई मिलती है और दुष्ट आत्माएं खेलती हुए मरोड़ती हुए निकल जाती है। मेरे प्रियो, इस पास्टर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मैं बहुत सराहना करता हूँ। हमें सचमुच में सच्चाई को दिखाना है, लोगों को बताना है कि जो चर्च में होता वो कोई ड्रामा नहीं होता है, कोई मैजिशियन नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई हिप्नोटाइज नहीं है, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करती है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चमत्कार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते हैं। हमें ज़रूर लोगों को बताना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रभु में बने रहिए, विश्वास कीजिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। जय मसीह की।